फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स में मैं आपको मेथड चेनिंग बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ मेथड चेनिंग होती क्या है, उसके बारे में आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है एबीसी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर तीन फंक्शन बनाऊंगा जो कि पब्लिक फंक्शन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पब्लिक फंक्शन होंगे जिसका नाम है फर्स्ट का ए। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड का नाम होगा फ्रेंड्स आपका बी, और थर्ड का नाम होगा सी। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर दिखाऊंगा। ये भी प्रैक्टिकल है, ये नॉर्मल है। इसका नाम, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा इसी को, जस्ट यहाँ पर इसी फंक्शन को फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा यहाँ पर तीन बार कॉपी करूंगा। फ्रेंड्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये होता क्या है, उसके बाद मैं एग्जांपल फ्रेंड्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ, और फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा ये होता क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा ये होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये यहाँ पर आपका सी हो गया फ्रेंड्स। अगर देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए बी सी नाम का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं मुझे को कॉल कराना होगा तो फ्रेंड्स कैसे कराऊंगा, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, आप जाकर फ्रेंड्स वहां पर चेक कर सकते हैं, वहां पर दिस इज ए फंक्शन आपके सामने शो हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर मैं दूसरा फंक्शन शो कराऊंगा, दूसरा फंक्शन कॉल करूंगा तो कैसे करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्ट मैं कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पर एक जगह क्या करूंगा फ्रेंड्स, बी कर दूंगा, दूसरा फंक्शन भी आपके सामने कॉल हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिस इज द बी फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर सी फंक्शन कॉल कराना चाहूंगा तो जस्ट यहाँ पर मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप रिजल्ट में जाकर, दिस इज द सी फंक्शन भी आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करा, यहाँ पर तीन अलग अलग लाइन लिखी फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में ये तीनों फंक्शन कॉल हो जाए, तो उस केस में फ्रेंड्स आते हैं मेथड चेनिंग। कैसे, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंटर यानी कनेक्टर का यूज करना और यहाँ पर बी लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से फ्रेंड्स सी लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसको कमेंट कर लूंगा फ्रेंड्स, मैं अगर आपके सामने अभी चलाऊंगा तो ये फैटल एरर दे देगा। ठीक है, वो बोलेगा कॉल ए मेंबर फंक्शन बी ऑन नल, नल का यानी पहला तो हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि जो फ्रेंड्स पहला फंक्शन है ना आपका, वो तो ऑब्जेक्ट पे कॉल हो ही रहा, लेकिन ये दो जो फंक्शन है ये नल पर कॉल हो रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट पे कॉल नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स मैंने दूसरे तीसरे ट्यूटोरियल में आपको डॉलर दिस के बारे में बताया था। फ्रेंड्स डॉलर दिस क्या करता है, आपका जो करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है, प्रॉम्प्ट पॉइंट करता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं डॉलर दिस को यहाँ पर वेर अंडरस्कोर डंप करूंगा तो ये आपका एबीसी क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट है एबीसी, यानी फ्रेंड्स ये वाला, किस क्लास का फ्रेंड्स, ये इस क्लास का। तो फ्रेंड्स ये डॉलर दिस क्या करता है, आपके करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया फ्रेंड्स, कितना ऑब्जेक्ट यानी एबीसी, इस टाइप से मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। तो फ्रेंड्स जब ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिटर्न करा लूंगा क्या, डॉलर दिस। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी इस टाइप से मैं रिटर्न करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा, आपका जो फंक्शन है तीनों फंक्शन सही चल जाएंगे। क्यों, क्यों, क्योंकि जो पहला फंक्शन था फ्रेंड्स वो तो सी ऑब्जेक्ट पे चला, लेकिन ये जो आपके सामने है तो ये भी क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, जब यहाँ से डॉलर दिस रिटर्न होगा तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर ये बी भी इस ऑब्जेक्ट पे कॉल हो जाएगा, तो इस केस में सी के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो आपके सामने है। तो फ्रेंड्स ये होता है मेथड ऑफ चेनिंग, कि हमने क्या करा, अपना कोड सेव कर लिया। देखो फ्रेंड्स दो लाइन का कोड, फिर हमने क्या करा, एक लाइन यानी एक इंस्ट्रक्शन में लिख लिया। तो फ्रेंड्स ये होती है मेथड ऑफ चेनिंग, यानी एक के बाद एक किससे कनेक्टेड, मेथड ऑफ चेनिंग हो गया फ्रेंड्स। इसका हम रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले एक कार का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने फ्रेंड्स। सपोज करो फ्रेंड्स आपके पास एक कार है, क्लास बना दो फ्रेंड्स मैं कार की। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस कार में क्या होगा, टैंक होगा, टैंक में क्या होगा, ऑयल फिल होगा। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, एक पब्लिक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर टैंक। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करूंगा, इस टैंक में मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक जिसका नाम होगा फिल, यानी ये फंक्शन क्या करेगा फ्रेंड्स, ये आपकी टैंक जो उसको क्या करेगा, फिल करेगा। दूसरा फंक्शन होगा फ्रेंड्स आपका राइड का, यानी आपकी जो कार है वो कितने किलोमीटर चली, मैं बताऊंगा फ्रेंड्स आपको अभी डिटेल में, यानी इस फंक्शन का मैं ले देता हूँ फ्रेंड्स राइड। ये फ्रेंड्स मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक क्लास बनाई कार की, सबसे पहले मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस क्लास का, यानी कार क्लास का। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट पे दोनों फंक्शन कॉल करा दूंगा, किस टाइप से, इस टाइप से फिल। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा यहाँ से राइट, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स मैं मान के चलता हूँ कि हमने जो अपनी कार की, इस कार में 10 लीटर पेट्रोल फिल किया है, तो इस 10 लीटर को मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर रिसीव कर लूंगा, किसमें, डॉलर ऑयल में। आप वेरिएबल्स का नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से ऑयल। ठीक है फिल। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर हमें, मैंने किसमें ये ऐड किया है ऑयल फ्रेंड्स, किसमें, टैंक के अंदर।
तो किस टाइप से करेंगे, प्लस इक्वल टू डॉलर ऑयल। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा जो टैंक है यानी इस टैंक में क्या होगा फ्रेंड्स, इतना ऑयल फिल हो गया, कितना यानी 10 लीटर ऑयल फिल हो गया इस टाइप से। तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या, डॉलर अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो फ्रेंड्स इस टाइप से इसका मतलब होगा, यानी इस टाइप से, सॉरी फ्रेंड्स ये मिस्टेक हो गई, यानी मैं अगर आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल देगा आप मैं कंट्री हुई यानी इस टाइप से, यानी ये इस टाइप से। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इस टाइप से, यानी हमारा जो ऑयल था टैंक में कितना फिल हुआ, 10 लीटर्स, ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये 10 लीटर्स। तो फ्रेंड्स यानी यहां से ओ लगाया फ्रेंड्स 10 लीटर वो उसने रिसीव किया, फिर इस टैंक में हमने कितना फिल किया 10 लीटर्स वो ऐड कर दिया, किससे, इससे। फ्रेंड्स मैंने अब राइड यानी हमारी जो कार थी कितनी किलोमीटर तक पहुंची, यानी कितनी डिस्टेंस तक आपने चलाई, मान लेते 50 किलोमीटर फ्रेंड्स हमारी कार चली, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं 15 किलोमीटर्स, ठीक है ना फ्रेंड्स, कार हमारी चली, तो उसको एक वेरिएबल में रिसीव कर लेता हूं जिसका नाम है फ्रेंड्स किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं फ्रेंड्स ये बताऊंगा, पहले मैं ये निकालूंगा कि हमारी जो कार है वो एक किलोमीटर में कितना पेट्रोल खर्च करती है, यानी एक किलोमीटर चलने में वो कितना पेट्रोल लेती है। तो सपोज करो फ्रेंड्स हमारी कार 30 किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर चलने में फ्रेंड्स क्या करती है वो, यानी 30 किलोमीटर चलने में चली तो फ्रेंड्स हमारी 50 है, लेकिन हमें ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि एक किलोमीटर में वो कितना पेट्रोल खर्च करती है। तो ये पहले मैं मानकर चलता हूँ फ्रेंड्स कि 30 किलोमीटर चलने में उसको एक लीटर पेट्रोल लगता है, लीटर, ठीक है फ्रेंड्स, एक लीटर पेट्रोल लगता है। अब फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स एक सेकंड फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्टार्ट से, ये फ्रेंड्स एक सेकंड मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब मैं क्या, ये आपके सामने, यानी 30 किलोमीटर चलने में वो एक लीटर पेट्रोल लेती है। तो फ्रेंड्स एक किलोमीटर चलने में कितना लगेगी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स से फ्रेंड्स इसमें आप, यानी एक किलोमीटर चलने में कितना लगेगी फ्रेंड्स वो 1/30, ठीक है फ्रेंड्स, यानी 30 किलोमीटर चलने में एक कार एक लीटर पेट्रोल खर्च करती है। तो एक किलोमीटर चलने में कितना लेगी, 1/30 लेगी, इतने पेट्रोल लेगी। तो फ्रेंड्स हमारे पास कितनी डिस्टेंस है, यानी 50 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पर मानकर चलता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है ऑयल, कितना ऑयल लेती है फ्रेंड्स वो 50 किलोमीटर चलने में। तो आपका यानी एक किलोमीटर के लिए कितना लेती थी, 1/30 ये लेती ना फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 50, कितनी चली हमारी 50, यानी इस टाइप से कितनी चली फ्रेंड्स हमारी 50, यानी इस टाइप से, यानी एक लीटर चलने में 1/30 ये ऑयल लेती है। तो 50 किलोमीटर चलने में कितने लगी, 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कट करके, सॉरी यहाँ पर डॉलर केएम लिखना पड़ेगा क्योंकि 50 इसी केएम ने तो रिसीव किया फ्रेंड्स, मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बार फिर बताना चाहूंगा कि 30 किलोमीटर चलने में अगर वो एक लीटर पेट्रोल लेती है तो एक किलोमीटर चलने में कितना पेट्रोल लेगी, 1/30, तो हमारी कितनी चली 50, तो 50/30, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूंगा, यहां से निकाल लूंगा कि हमारा कितना ऑयल बचा, यानी हमने कितना लिया था 10 लीटर्स, तो कितना उसने स्पेंड किया और कितना रिमेनिंग बचा। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर दिस, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर क्या चलेगा फ्रेंड्स आपका, ये टैंक, यानी इतना ऑयल था, ठीक है फ्रेंड्स, टोटल आपका इतना ऑयल था, यानी टोटल ऑयल्स में से माइनस कर दो कितना, जितनी चली कार कितनी चली, यानी कितनी डिस्टेंस तक चली हमारी, इतनी, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या निकाल देगा कि कितना रिमेनिंग ऑयल, कितना ऑयल बचा है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा ये फंक्शन आपका क्या करेगा, फिल करेगा ऑयल टैंक में कितना लीटर, 10 लीटर्स, और ये वाला जो फंक्शन है फ्रेंड्स आपका रिमेनिंग ऑयल को बताएगा कि कितना ऑयल आपका बचा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूंगा यहां से फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था ऊपर एग्जाम्पल पर, डॉलर दिस क्या करेगा, रिटर्न, क्यों, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो ठीक इसी तरह हम डॉलर दिस को क्या करेंगे, यहां से भी रिटर्न करा लेंगे, सॉरी फ्रेंड्स लिखने में मिस्टेक हो गई, इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपसे माफी चाहता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से डॉलर दिस रिटर्न करा ली मैंने फ्रेंड्स, आपको पिछले बताया था इसी टाइप से यहां से डॉलर दिस। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगा, यहां पर हमारा कितना पेट्रोल, सॉरी कहां पर कहां पर आपने टैंक पेट्रोल फिल किया था, इस टैंक में फिल किया था, इसको भी मैंने यहां पर वॉक कर दिया। अब फ्रेंड्स अगर मैं यहां पर इको करूंगा तो ये कैलकुलेट करके बता देगा कि आप
का जो है कितना ऑयल खर्च हुआ था, देख सकते हैं फ्रेंड्स इतना ऑयल यानी कितना बचा, 8 लीटर हमारा पेट्रोल बचा। तो ये था फ्रेंड्स रियल लाइफ का एग्जांपल। फ्रेंड्स अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें तो चेक यानी मैथमेटिक्स चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, सबसे पहले कितना का 50/30 तो ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका मैं आपको ये बैठेगा 1.6 बैठेगा मेरे ख्याल में, ये बैठेगा 1.66। तो हमारा पेट्रोल कितना था फ्रेंड्स, टोटल ऑयल कितना था हमारा 10 और लगा कितना 1.6। अगर इसको हम माइनस कर देंगे यानी इस टाइप से फ्रेंड्स 10 माइनस 1.66 तो इक्वल टू कितना बैठेगा 8.66 बैठेगा, ये बैठेगा ना फ्रेंड्स, हाँ ये बैठेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सॉरी 8.33 बैठेगा, नहीं नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, फ्रेंड्स कैलकुलेटर का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये कैलकुलेटर, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं 50/30 कितना बैठा फ्रेंड्स 1.666। तो ये हमारा पेट्रोल खर्च हुआ यानी इतना पेट्रोल हमारा लगा। अब हमारा कितना पेट्रोल लिया था हमने 10, तो फ्रेंड्स मैं इसको यहां से 1.66 है ना इसको हटा देता हूं, 10 माइनस 1.66 तो कितना आ गया 8.34 यानी 8.34 यानी 8.33 एग्जैक्टली ये होता है फ्रेंड्स 8.33 और 8.34 लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है फ्रेंड्स 8.34 और 8.33 ये सेम ही है। तो ये होता है फ्रेंड्स मैथ ऑफ सेलिंग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मेरा ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका धन्यवाद, और फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइव हुआ है तो आप मेरे को डिस्कशन फॉर्म में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको मेरे रिसेंटली वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मैं अगर इसको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ 8 कितना था आपका 33 यानी 8.34 यानी इतने हमारा लगा 1.66 किलोमीटर हमारा पेट्रोल लगा और 8.34 किलोमीटर 8.34 लीटर हमारा पेट्रोल रिमेनिंग हमारी टैंक में बचा। तो ये होता है फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे को डिस्कशन फॉर्म में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।